देवता मेरे आंगन में उतरेंगे कब, जिंदगी भर यही सोचता रह गया। और मेरे बच्चों ने उस चांद को छू लिया, जिंदगी भर जिसे पूछता रह गया। गरीब किसान का बच्चा स्कूलों में जाता है तो क से कबूतर, ख से खरहा और ग से गधा पढ़ाया जाता है। हमारी सरकार को दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त करने की दिशा में पहल करनी चाहिए। पत्थर के जिगर वालों, गम में वो रवानी है, खुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी। और कमजोर की आहों को, मजलूम की आहों को कमजोर समझ लेना अब जालिम हुकूमत के जाने की निशानी। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने गुरुवार को लोकसभा में शिक्षा मंत्रालय के बजट पर जोरदार भाषण दिया। अफजाल ने शिक्षा बजट के अनुदानों में की गई कटौती का मुद्दा उठाया और बताया कि किस तरह से देश में दो तरह की शिक्षा व्यवस्था चल रही है, इसकी वजह से गरीब किसान का बच्चा नौकरियों के लिए होने वाली कड़ी प्रतियोगिता में जीत हासिल नहीं कर पा रहा है। बजट पर बोलते हुए अफजाल अंसारी ने का से कबूतर, खा से खरगोश और गा से गधा का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे हिंदी मीडियम के स्कूलों में ये पढ़ाया जाता है, इसके उलट अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में बच्चों को का से कंप्यूटर पढ़ाया जाता है। अफजाल ने कहा कि शिक्षा बजट में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए इजाफा करने के बजाय कटौती की गई है। भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन के बजट को 40 करोड़ से घटाकर 30 करोड़ कर दिया गया है। वहीं सपा सांसद अफजाल अंसारी ने आगे क्या कुछ कहा, देखिए वीडियो। श्री अफजल अंसारी जी, माननीय पीठासीन अध्यक्ष जी, आपने हमको वर्ष 2024-25 के लिए शिक्षा मंत्रालय के बजट में अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। माननीय लोहिया जी ने कहा था कि निर्धन हो या धनवान, सबको शिक्षा मिले समान। आज ये दुख का विषय है कि शिक्षा विभाग ने अनुदानों के लिए जो अपने बजट में प्राविधान किया है उसमें ये अफसोसनाक स्थिति है कि एससी, एसटी और ओबीसी के लिए जहां बजट में वृद्धि करने की आवश्यकता थी वहां उनके लिए निर्धारित बजट में भारी कटौती की गई है। सेम। और इसी क्रम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब एक सेकेंड अभय कुमार, इसका बजट जो पहले से ही बहुत कम था, इससे पहले मात्र 40 करोड़ रुपया, इससे पहले भी माननीय स्पीकर जी साहब ने बताया कि जब सदस्य बात करते हैं एक हाथ जो में ना रखें। इस बहरहाल इस बार ये 40 करोड़ का भी जो बजट था इसे घटा करके अब 30 करोड़ कर दिया गया। एक मानसिकता का पता चलता है। ये भी देखने की बात है कि इस बजट में अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए उसमें भी पहले की तुलना में भारी कटौती की गई, जबकि उसमें व्यापक वृद्धि की आवश्यकता थी। बजट में एससी, एसटी, ओबीसी को जो मुफ्त कोचिंग के माध्यम से उनको शिक्षा के लिए सहूलियत प्रदान करने का जो बजट था वो भी पहले से बहुत कम था, लेकिन अफसोस की बात है कि जो था 47 करोड़ रुपया उसे भी घटा करके अब मात्र 35 करोड़ रुपया कर दिया गया। इस प्रकार अगर देखा जाए तो टॉप क्लास की एजुकेशन के क्षेत्र में भी एससी, एसटी के लिए जो पहले 111 करोड़ रुपए का बजट में प्राविधान था अब उसमें भी बड़ी कटौती कर दी गई है। मानवर, आपके माध्यम से हम दो पंक्ति की कविता के साथ अपना भाव, अपना विचार
सदन में रखना चाहते हैं कि देवता मेरे आंगन में उतरेंगे कब, जिंदगी भर यही सोचता रह गया और मेरे बच्चों ने उस चांद को छू लिया, जिंदगी भर जिसे पूछता रह गया। आज जब दुनिया शिक्षा के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, साइंस के माध्यम से अपनी उन्नति के शिखर पर पहुंच रही है, तब हमारे देश में शिक्षा में खास तौर से जो कमजोर वर्ग है, एससी एसटी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी के लोग हैं, इनके शिक्षा के प्रति जागरूक करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से बजट में बढ़ाकर प्राविधान किया जाना था, जिसमें बड़े पैमाने पर कटौती की गई। ये इस सरकार की दूषित मानसिकता का एक प्रमाण है। वैसे भी हमारे देश में विडंबना का विषय यह है कि दोहरी शिक्षा नीति लागू है। एक तरफ वो शिक्षा जो सरकारी स्कूलों के माध्यम से गांव में रहने वाले गरीबों के लिए उपलब्ध है, जहां आज भी हाथ में कटोरा और पीठ पर बोरा गरीब किसान का बच्चा स्कूलों में जाता है तो क से कबूतर, ख से खरहा और ग से गधा पढ़ाया जाता है। अब दूसरी तरफ मॉडर्न स्कूल, प्राइवेट स्कूल, मॉन्टेसरी स्कूल, इन स्कूलों में जो अंग्रेजी माध्यम से और आधुनिक ढंग से जो शिक्षा दी जाती है, दोनों रास्तों से जो शिक्षा प्राप्त करके बच्चे हमारे ऊपर जाते हैं, तो जब किसी पद के कंपटीशन में दोनों को हिस्सा लेना होता है तो जो क से कबूतर, ख से खरा, ग से गधा पढ़ के गया है और जो क से कंप्यूटर पढ़ के गया है, वहां जब मुकाबला होता है तो जरूर जो आधुनिक शिक्षा से लैस उस विद्यालयों से पढ़ के आने वाले छात्र हैं वो कामयाब होते हैं, और सरकार की तरफ से जो अपने देश की जनता के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, गांव में रहने वाले लोगों के लिए जो शिक्षा का प्रबंध है, उस शिक्षा को ग्रहण करके जो लोग ऊपर पहुंचते हैं तो उनकी बुनियाद कमजोर हो जाती है। देखने की बात है, देखने की बात है कि ऐसी स्थिति में सबसे जरूरी था कि हम दोहरी शिक्षा नीति को कैसे समाप्त करें, कैसे संतुलन बनाएं। जो प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा है वो इतनी महंगी है कि एक गरीब आदमी तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता, एक मध्यम वर्ग का आदमी भी, उनके बच्चों को 2 में 3 में 4 में 5 में पढ़ने के लिए 2,000 रुपया महीना, 5,000 रुपया महीना, 4,000 रुपया महीना और बड़ी ऊंची शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो कोई साधारण किसान, कोई गरीब, कोई गांव का आदमी अगर अपनी हैसियत को भी बेच दे तो वो अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बना सकता, अपने बच्चों को उस तरह की शिक्षा नहीं दे सकता जो उसके लिए एक सपना। मानवर, आपके माध्यम से इस सदन में हम आपसे यह अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी सरकार को दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त करने की दिशा में पहल करनी चाहिए, और सरकार का यह बजट जिसमें अनुदानों के लिए जो प्राविधान किया गया, इसमें जो एससी एसटी और ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को जो सहूलतें पहले से फराहम की जाती रही हैं, उनको शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए उसमें कटौती किए जाने से यह साबित होता है कि आप दोहरी शिक्षा नीति को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर श्रीमान जी आपके माध्यम से एक बात और कविता के रूप में आपके अपने भाव को इस रूप में रखना चाहता हूं। अभी बात नहीं समझ में आ रही, अभी बोल रहे थे एक सज्जन तो वो 1 मिनट में शिक्षा की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ सागर में चले जा रहे थे। तो सागर और शिक्षा, बात समझ में नहीं आ रही। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पत्थर के जिगर वालों, गम में वो रवानी है, खुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी, और कमजोर की आहों को, मजलूम की आहों को कमजोर समझ लेना अब जालिम हुकूमत के जाने की निशानी है।